देखिए, आप लोग के माध्यम से मैं खास करके पूरा अरुणाचल अपना जो अभी उन्होंने सीएम मेंशन किया कि जो केस है ये अपना भारत का पूरा विश्व भर में खेला है, लेकिन ये भारत का एक परंपरा अपना संस्कृति गेम है। तो ये गेम को दुनिया भर में पूरा विश्व में खेला हुआ, तो इस बार पूरा विश्व ने भारत ने निर्णय लिया कि इस चेस ओलंपिया को यहाँ भारत में होस्ट करेंगे। तो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 करोड़ रिले लंच हुआ, तो इसमें पूरा आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी का यही संदेश था कि 75 आइकॉनिक प्लेस पूरा इंडिया में पूरा देश में उसको ओलंपिक का टॉर्च रिले होना है। तो जिसमें से अपना प्रदेश में दो जगह को चुना कि ईटानगर एंड नामसाई को। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज चीफ गेस्ट में आकर वो टॉर्च रिले का जो लंच हुआ और सभी किया हमें यहाँ से, और ये अपना जो ग्रैंड मास्टर है अभी यहाँ से नामसाई जाएंगे। और मैं आप लोग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चेस गेम जो है ये बहुत ही एक माना इसमें अपना मेंटली माइंड का भी एक एक्सरसाइज होगा और शांति गेम, और ये भारत का अपना पूरा भारत का ये संस्कृति गेम है। और अरुणाचल प्रदेश के जो चेस ओलम जो एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम अपना प्रदेश में भी ये ओलंपिक ये जो चेस गेम को जो बढ़ावा दे रहा है, और सरकार का तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट का तरफ से भी जो भी मदद करना चाहिए वो सरकार का तरफ से चेस ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल को मदद करेंगे। थैंक यू। टॉर्च रिले जो कर रहे हैं ये स्पेशली हमारा चेस ओलंपिक 44 टाइम्स हो रहा है वर्ल्ड में, लेकिन ओरिजिनली हमारा चेस जो है शतरंज बोल के हमारा इंडिया में बहुत सालों से राजा जमाओं से खेलता था, लेकिन चेस ऐसे स्प्रेड होकर वर्ल्ड में चला गया, अभी चेस ओलंपिक का नाम से जाना जाता है। तो आज जो 44 टाइम्स वर्ल्ड में चेस ओलंपिक का कंडक्ट हो रहा है, और अभी चेन्नई में जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो होस्ट कर रहा है, तो उसमें मोर देन 187 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसका ये मैं टॉर्च रिले हमारा चेस का हिस्ट्री में या फर्स्ट टाइम अभी जो टॉर्च रिले जो है हमारा इंडिया में हो रहा है, और ये 75 सिटीज़ इंडिया में हो रहा है, उनमें से हमारा अरुणाचल में दो जगह है, ईटानगर एंड नामसाई। और इसका ये मकसद जो है हम लोग हमारा चेस को प्रमोट करना है, और स्पेशली नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है टॉर्च रिले को स्टार्ट किया है। अब तो 28 जुलाई तक ये टॉर्च रिले जो है चेन्नई में जो होस्ट करा है उसमें एंड होगा, और आज से शुरू होकर टॉर्च रिले जो वर्ल्ड में इंडिया से स्टार्ट होके जहाँ जहाँ यहाँ में उसका ओलंपिक होस्ट करा है उसमें एंड होगा। और स्पेशली हम ये अरुणाचल में हमारा ये बहुत अच्छा बात है, ये चेस का बारे में लोग इसका थ्रो से हम लोग चेस का बारे में जानने मिल रहा है, और फर्दर हम लोग इस थ्रो ये ओलंपिक का इसका थ्रो से हम लोग चेस में चेस इन स्कूल भी हम लोग बेरिस और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में ये नेशनल में हम लोग का सिर्फ वन टाइम सिलेक्शन करके अभी पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ में चेन्नई में, और अभी हम लोग उसके लिए हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, हम लोग स्कूल सिलेक्शन चेस टूर्नामेंट हो के जहाँ कि हम लोग का स्टूडेंट लोग को भेज रहे हैं, हम लोग तीन लड़की वहाँ में पार्टिसिपेट करके वो खेल को देख सकता है और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करके हम लोग स्पॉन्सर के भेज रहे हैं, और अरुणाचल में वो चेस इन स्कूल का हम बेरिस हम लोग यहाँ में अरुणाचल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, एक स्पीच में आप लोग का प्रेसिडेंट ने ये मेंशन किया था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडेंस का वजह से इतना प्रमोट नहीं हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको पड़ा। हाँ, ये तो सही बात है, हमारा अरुणाचल में नो डाउट गवर्नमेंट से कुछ इंसेंटिव तो देता है, लेकिन उस इंसेंटिव में जैसे कि नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करना और स्टेट लेवल में हम लोग का सफिशेंट हम लोग का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, उसके कारण से हम लोग का जो फ्यूचर ये हम लोग का जो अपना चेस का प्रमोट करने का हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होने से तो हम लोग हमारा अपना गेम को हम लोग कोई भी चेस का स्पोर्ट्स में फैसिलिटी अवेलेबल होना पड़ेगा, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के नहीं है, हम लोग फाइनेंस में भी हम लोग का अपना चेस का ये जो
जितना भी स्पोर्ट्स स्टेट में है आगे बढ़ने बहुत तकलीफ है। अगर गवर्नमेंट से हम लोग को सारे फैसिलिटी देने से शायद हम लोग कुछ स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं अरुणाचल में। थैंक यू।